नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हकीकत कादियान और लेकर आया हूं आपके लिए फेस टू फेस। आज फेस टू फेस में हमारे साथ मेहमान हैं गीता भुक्कल जी। गीता भुक्कल जी की अगर बात करें तो झज्जर जो इलाका है वहां से ये एमएलए हैं और साथ ही प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री भी हैं। मैडम स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। धन्यवाद मैडम, क्या कुछ मानते हैं आपने इस प्रदेश के लिए, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी हैं साथ ही जो सामाजिक न्याय मंत्रालय भी आपके पास है जी। इसके अंदर आपकी क्या कुछ उपलब्धियां हैं, अब तक क्या किया है आपने प्रदेश के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ हमारी जब सरकार बनी एक हमेशा इस बात को लेकर रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करना अति आवश्यक है। जहाँ मुख्यमंत्री जी हरियाणा को शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं उसी में हमने कोशिश की और एक शिक्षा विभाग को हमने जो है एक चैलेंज के रूप में लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शुरू से इस समय चल रही थी, उसमें हमने सुधार की आवश्यकता करने की कोशिश की। दूसरा, जो शिक्षा का अधिकार आया उसको हमने प्रदेश में अच्छे ढंग से लागू करने की कोशिश की। पर मैडम, शिक्षा के अधिकार लागू करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो क्या हालत है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। ना तो प्रॉपर इमारतें हैं, ना पीने के पानी की कोई अच्छी तरह से सुविधा है, ना बच्चों के लिए शौचालय हैं। तो क्या सुधार हुआ अब तक? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप अपनी टीम के साथ हमारे सरकारी स्कूलों का दौरा शुरू करें। मैडम, काफ़ी स्कूल मैं दौरा कर चुका हूँ, ऐसी हालत है, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। स्कूल के अंदर जो पानी की स्थिति की अगर बात करें तो पानी की टंकियाँ खुली पड़ी हैं, उनमें काई जमी हुई है, बच्चे वो पानी पीते हैं। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमने कोशिश की स्कूलों का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही। उसमें हमने, आप देखे तो हमने मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार योजना एक शुरू की, जिसके तहत सभी स्कूल के लोग, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग, सभी लोग मिलकर अपने स्कूल को सुंदर बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर हमने एक अवार्ड्स भी शुरू किए हैं। अब एक मुहिम के तहत अगर आप हमारे स्कूलों को देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, प्रथम की रिपोर्ट की भी अगर मैं बात करूँ, उसमें कहा गया है कि जो हमारा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है औरों से बहुत बहुत बेहतर। मैडम, बेहतर औरों से बेहतर की बात नहीं, एक बेसिक जो अगर चीज की बात की जाए, स्कूलों के अंदर प्रॉपर बेंचेस नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। मैं कहना चाहूंगी अभी स्कूलों के अंदर इमारतें नहीं है, बच्चे खुले के अंदर पढ़ते हैं, बरसात आ जाती है, काफी स्कूलों की हालत ये है कि बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो कभी भी गिर सकती है और उस इमारत के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ स्कूल तो दो कमरों में चल रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी एक तो आप हमारे आरोही मॉडल स्कूल्स को विजिट करना शुरू करें जो किसी भी प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं। मैडम, गिने चुने स्कूल हैं लेकिन बाकी ओवरऑल स्कूल्स। मैं आपको बताती हूँ कि इतनी बुरी हालत में हमें ये शिक्षा विभाग में इतनी बुरी हालत में ही मिला आज, लेकिन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम हुआ है हरियाणा में, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। जहाँ तक ड्यूल डेस्क की बात है, वो मैंने खुद चैलेंज एक्सेप्ट किया, 100 करोड़ के करीब के हमने ऑर्डर्स दिए हुए। आज आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, ज़्यादातर स्कूलों में हमारी रेगुलर सप्लाई ड्यूल डेस्क की चल रही है और प्राइमरी स्कूल के लिए जो बटरफ्लाई टेबल चेयर्स हमने खुद बैठ के डिज़ाइन करवाए हैं टेक्निकली। और हमारी ये कोशिश जो एक रही कि हम लोग किस तरह से बच्चों को, देखिए हम भी नहीं चाहते, आज गरीब का बच्चा भी जो है वो नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहता। और हमने, मैंने सबसे बड़ा चैलेंज इसी को मानते हुए कहा कि हमारा कोई बच्चा ज़मीन में बैठकर नहीं पढ़ेगा, और हमने ड्यूल डेस्क के लिए चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैडम चलिए मान लिया कि वो डेस्क आएंगे, चलिए आपने ऑर्डर दे दिया, वो आ रहे हैं, अभी आना शुरू हो गया। लेकिन अगर किताबों की बातें करें कि जो फ्री बुक्स जो दी गई थी पिछले साल, आधा सेमेस्टर बीत गया था जब किताबें आई। आज की बात करती हूँ, आज की बात नहीं, जो पिछले साल जो आधा सेमेस्टर बीत गया, जो आधा साल बच्चे बिना किताबों के रहे, जो उनको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो सकती, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की गई, कौन दोषी था उसके अंदर और किस किस के ऊपर गाज़ गिरी? देखिए, उसमें पहली से लेकर आठवीं तक जो किताबों की बात थी, क्योंकि पहले केवल SC BC या गरीब तबके को ही मुफ्त में किताबें दी जाती थी, शिक्षा के अधिकार आने के बाद सभी बच्चों को 100% सभी को डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई और हमने इसके टेंडर दिए। पहली से लेकर आठवीं तक की, पहली से दूसरी तक हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तीसरी लेकर आठवीं तक में कुछ दिक्कत आई। और हमने, क्योंकि पहले क्या सब्जेक्ट वाइज किताबें आती थी, उसके बाद हमने कहा कि एक कंपनी को हम क्लास वाइज देंगे पूरा पूरा, ताकि बंडल मिले, और उसमें 9वीं 10वीं 11वीं से लेकर 12वीं तक की सही समय पर किताबें आ गई। लेकिन 8वीं तक की किताबों में हमारा जो टेंडर हाई पावर परचेज कमेटी के थ्रू दिया गया, उसमें दिक्कत जरूर आई, लेकिन हमने उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हुए टेंडर दिया। दिक्कत आई ठीक है, लेकिन बच्चों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके अंदर कार्रवाई, जिम्मेदार कौन था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, जिम्मेदारों, एक तो हमने जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसको ब्लैकलिस्ट किया, उसकी फोरफिट किया उसका अमाउंट, अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। और कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 5-6 लोगों को हमने इसमें सस्पेंड किया और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ पिछली बार से सबक लेते हुए, क्योंकि ये हमने राइट टाइम पे, पिछली बार हमने अगस्त में ये ऑर्डर प्लेस किए, अगस्त में हमारी टेंडर कॉल हुए, अक्टूबर में हमने जो है ऑर्डर प्लेस किया, हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्च तक आ जाएगा, उन्होंने बोला बाय ट्रेन आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, कहीं ना कहीं चीटिंग हुई। लेकिन
हमने उस चीज से सबक सीखते हुए इस बार जो किताबें आप स्कूलों में जाकर देख लें, हमारा एडमिशन के टाइम पर अब की बार जो किताबें आई है कि जैसे ही एडमिशन होगा बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। मुझे एक महसूस हुआ एक शिक्षा मंत्री होने के नाते कि कहीं ना कहीं कोई नेक्सस है जो सरकारी सिस्टम के खिलाफ काम करता है। हमारी किताबें छपने के बावजूद बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, तो हमने उसको टेंडर प्रोसेस में शामिल किया कि जहां किताब छपेंगी वो बच्चे के हाथ में स्कूल तक आएंगे। और उसको मैंने स्वयं भी मॉनिटर किया और इस टेंडर प्रोसेस में इस बार मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो अभी तो रिजल्ट आया है और हमारी किताबें जो है वो पहुंचने लग गई हैं। चलिए, अगर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए एजुसेट शुरू किया गया जी, करोड़ों रुपए की लागत आई, हर स्कूल के अंदर जनरेटर मंगाए गए, एजुसेट के पूरे सिस्टम लगाए गए, पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया, लेकिन आज एजुसेट कहीं नहीं दिखाई देता। आधे से ज्यादा जगह पर एजुसेट के सिस्टम बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं क्या हमारी प्लानिंग में कमी थी, कहाँ कमी रही जो इतना करोड़ों रुपया लगा के जो बच्चों के लिए किया गया वो सारा बर्बाद हुआ? देखिए, मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ कि हमारा जो एजुसेट प्रणाली बहुत अच्छे के लिए शुरू की गई, जहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज थी वहाँ पर बच्चों को जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट करके उनको ये करवाया जाए। पंचकुला में हमारी उत्कर्ष सोसाइटी जो अलग से फॉर्म हुई और हमारी एक कोशिश रही कि हम लोग जो है इसमें बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे पाएं। जब मेरे पास ये जिम्मा मुझे मिला, मुझे ये महसूस हुआ कि कई जगह पर हमारे एजुसेट जो है सही से काम नहीं कर रहे। जो 3 साल का ठेका दिया गया कि कंप्यूटर्स को मेंटेन करने का, कहीं पर बैटरी बैकअप नहीं था, कहीं पर लाइट की समस्या थी, कहीं पर हमें लगा कि सही से नहीं चल पाए, तो हमने इसके लिए कोशिश ये की कि जो हमारी बैटरीज हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, क्योंकि कई गाँव में बिजली की वाकई में समस्या है, वो बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो पाती, हमने वहाँ पर अलग से जनरेटर सेट की जो है उसका प्रावधान करवाया। दूसरा क्या था, बीच के समय में शिफ्टिंग ऑफ सैटेलाइट का कार्य चल रहा था और इसरो से हमारा जैसा टाइप है, तो शिफ्टिंग ऑफ सैटेलाइट का जब काम पूरा हो गया, हमने खुद इंश्योर किया इस बात को कि ज़्यादातर हमारी जगह पर जो है हमारे एजुसेट के माध्यम से शिक्षा दी जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज भी मैं इस बात से मुझे इस बात का दुख है कि हम 100% एजुसेट प्रणाली को सही ढंग से नहीं कर पाए। आपने जनरेटर मंगाए, हर स्कूल के अंदर जनरेटर पहुंच चुके हैं जी जी, लेकिन स्थिति वही हुई कि फौज के लिए बंदूकें खरीद ली गई लेकिन गोलियां नहीं पहुंची, उसके डीजल का इंतजाम नहीं हुआ और काफी जगह पर हमारे पास रिपोर्ट आई हैं, हम लोगों ने खुद कवर किया है इस चीज को। टीचर कहते हैं कि जी जनरेटर तो आ गया लेकिन इसमें तेल डालने का कोई बजट हमारे पास नहीं। अब देखिए, टीचर्स जो जहाँ के स्कूल के हैं उनकी भी अपनी कोई जिम्मेवारियां बनती हैं, एक पॉलिसी बनी हुई है कि जनरेटर सेट के लिए डे टू डे बेसिस पे तो हेडक्वार्टर से पैसा नहीं आने वाला है, कुछ फंड्स हैं जो ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं उनके थ्रू उनको जनरेटर सेट्स में। और अब तो ये है कि हमने पहले हमारा जो था स्कूलों की बिजली के कनेक्शन एग्रीकल्चरल फीडर से थे, हमने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, बिजली विभाग के मंत्री से और अधिकारियों से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जो एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हुए हैं स्कूल, हमें जो है उनको डोमेस्टिक फीडर से हम जोड़ दें ताकि बिजली में कोई समस्या ना आए। मैडम, कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की गई हरियाणा के अंदर जी, स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की गई, प्राइवेट कंपनी को इस चीज का ठेका दे दिया जी जी। प्राइवेट कंपनी ने किस तरह से टीचर रखे, उन्होंने 25-25-30 हजार रुपए पहले टीचर से सिक्योरिटी ली, उसके बाद अब उन टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है जी, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो स्टैंडर्ड्स को ही मेंटेन नहीं किए गए ना उनको ध्यान में रखा गया, क्या किया आपने इसके लिए? देखिए, कंप्यूटर एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हरियाणा एक ऐसा राज्य रहा जिसने कोशिश की कि सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में और बाकी स्कूलों में भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। करीबन 2622 के करीब ऐसे स्कूल हमने जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन पूरी तरह से स्टार्ट की, लैब्स हमारी बहुत बढ़िया ढंग से हमने एस्टेब्लिश की, कंप्यूटर लैब्स के हमने टेंडर आए, सारी चीजें हो गई जी जी, लेकिन जो टीचर थे जी, जो सबसे मेन चीज है जो बता रही, मैं आपको बता रही हूँ उस बारे में मैं जरूर आ रही हूँ, क्योंकि इसको भी हमने हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज लेने की हमने कोशिश की, उसमें राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी से अच्छी कंपनियां आई जिनको हमने टेंडर दिए, उन्होंने जो है इसकी प्रक्रिया जो है रिक्रूटमेंट की स्टार्ट की, और आज के समय में हमारे सभी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं, और पहले केवल मात्र उनको 2-2.5 हजार रुपये मिलते थे। मुझे एक शिक्षा मंत्री होने के नाते ये महसूस हुआ कि कंप्यूटर एजुकेशन में किसी ने MSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड है, 2-2.5 हजार रुपया जो कि मनरेगा से भी कम था। हमने ये कहा कि इस बार हम बच्चों को अच्छी सैलरी देंगे, और हमने जो टेंडर किया 14 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से कंपनी को देने की बात कही, और लेकिन मैडम काफी जगह ऐसी हैं जहां 6-6 महीने से उनको पैसा मिल नहीं रहा है। इनको अपॉइंट किया
और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारा जो है ये पैसा उन कंपनीज को जाना था, जिसमें कहीं ना कहीं देरी हुई, चूक हुई, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसकी बात कही और आज जो है पैसा वो हमारे स्टूडेंट्स को, सैलरी जो हमारे टीचर्स हैं उनको मिलनी शुरू हुई। लेकिन इसके अलावा मैं ये महसूस करती हूँ कि दिक्कत आई और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो एक सिस्टम है उसको मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, हम सुधार कर रहेंगे और आगे से हमने ये तय किया है कि जो हमारे कंप्यूटर टीचर रहेंगे हम उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो रेगुलर टीचर्स। और उसमें दूसरा, जो कंपनीज ने 24 या 25 हज़ार के हिसाब से सिक्योरिटी ली, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उनका कहना यह है कि हमने एक इसलिए सिक्योरिटी ली कि जिन टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट, उन टीचर्स को जो है वो लोग बार बार नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, वो रिफंडेबल है उनका, ऐसे वो वहाँ पर रिफंडेबल सिक्योरिटी उन्होंने ली है, लेकिन फिर भी हमने उनको कहा है जिन्होंने टेंडर लिए हैं कि आप उनकी रिफंड कर दें सिक्योरिटी। चलिए मैडम, हर साल प्रदेश के अंदर करीब 1,00,000 बीएड टीचर तैयार होते हैं। मैं कंप्यूटर एजुकेशन का जोड़ते हुए पहले बता दूं कि हमारे कॉलेजेस में अभी एजुसेट सिस्टम है, हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स हमारे ऑलमोस्ट सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें हमने स्टार्ट की है। यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज लैब्स कंपलसरी हैं, क्योंकि आज हमारा युवा जो पढ़कर निकल रहा है उसके लिए प्लेसमेंट और जॉब्स होना अति आवश्यक है। और हमारे जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, हमें ये महसूस हुआ, मुझे विशेष तौर से महसूस हुआ कि उनके पास डिग्रियां भी हैं, टॉपर्स भी हैं जॉब में, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं सरकारी नौकरियों के साथ साथ, उसके लिए हमने जो है लैंग्वेज लैब्स का सब जगह स्थापित की है। और अगर आप विजिट करेंगे, आज जो सुंदर सा नक्शा देने की हमने कोशिश की है उसकी शुरुआत है और इस पर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। चलिए मैडम, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और गीता भुक्कल के साथ हमारे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मैडम 134A की बात करें जी, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान था, क्या गीता भुक्कल को कहीं ना कहीं ये लगा कि गरीब बच्चों का हक मारा गया है उसको 10% करके? मुझे महसूस होता है